शोएब से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को मिलेगा कितना पैसा, कहाँ होगा नया ठिकाना, क्या लड़ेंगी चुनाव? सोशल मीडिया पर उठे सवाल, जब सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ कबूल तो सानिया को क्यों ना मिले नागरिकता। अंजू भी गई थी सानिया बनने पर पहले ही आ गई वापस। पाकिस्तान की तलाक पर हिंदुस्तान में छिड़ी नई चर्चा। शोएब मलिक ने जब से पाकिस्तानी हीरोइन सना जावेद से तीसरी शादी की है, हर कोई ये जानना चाहता है कि अब सानिया मिर्जा क्या करेंगी, उन्हें कितना पैसा मिलेगा और दुबई छोड़कर क्या अब वापस हिंदुस्तान आकर रहेंगी। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है जिसमें लोगों ने ये तक लिख दिया कि सीमा हैदर जब 4 बच्चों के साथ कबूल है तो फिर सानिया मिर्जा को भारतीय नागरिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये मांग तब उठी जब हिमंत विश्व शर्मा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सुधीर चौधरी के नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट से ये ट्वीट कर लिखा गया कि सानिया मिर्जा को हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि सानिया मिर्जा के पास अब क्या क्या विकल्प हैं? 37 साल की सानिया मिर्जा चाहे तो दूसरी शादी कर सकती हैं, चाहे तो अकेले रह सकती हैं। पिता का कहना है कि बिटिया खुद तलाक लेकर आई है, इसका दर्द उनके पोस्ट में भी दिखता है। हो सकता है कुछ वक्त तक वो अकेले रहना पसंद करें और फिर आगे की जिंदगी के बारे में सोचें। बीते कुछ दिनों से अपने बच्चे के साथ वो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही हैं, जो ये बताता है कि 5 साल का बेटा उनके साथ ही रहेगा। ये जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर तो सामने नहीं आई है कि सानिया मिर्जा को कितना पैसा मिलेगा, शोएब मलिक उन्हें गुजारा भत्ता के तौर पर कितना देंगे। लेकिन जब पहली पत्नी आयशा सिद्दीकी को शोएब ने तलाक दिया था तो करीब 15 करोड़ रुपए दिए थे। उस वक्त शोएब मलिक काफी कम संपत्ति के मालिक थे, फिलहाल उनके पास 230 करोड़ की संपत्ति है। सानिया मिर्जा भी टेनिस स्टार है, उनके पास भी करीब 200 करोड़ की संपत्ति है। अब उन्होंने खुद से तलाक लिया है तो हो सकता है उसमें पैसे कम मिले, लेकिन इतना तो जरूर मिल सकता है जितने में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पूरी फीस हो जाए। हालांकि पैसे से बड़ी बात यह है कि धोखेबाज के साथ रहने से बेहतर अकेला रहना होता है, इसलिए शायद सानिया मिर्जा ने शोएब की मंशा समझते ही तलाक की मांग कर दी थी। सूत्र बताते हैं कि साल 2022 में ही दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन मीडिया में जानकारी तब आई जब शोएब ने तीसरी शादी कर ली और जिस हीरोइन से शादी की है वो पहले से शादीशुदा है, जिसका नाम है सना जावेद। पाकिस्तान के लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सना जावेद का उमर जसवाल से तलाक कब हुआ। अगर तलाक नहीं हुआ तो फिर इस निकाह का भी कोई मतलब नजर नहीं आता। हालांकि शोएब मलिक जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसे अब 3-3 निकाह का अनुभव हो गया हो, वो ऐसी गलती करेगा इसकी आशंका नहीं नजर आती। इसलिए अभी से सोशल मीडिया पर शोएब धोखा देगा ट्रेंड करने लगा है। हिंदुस्तान में कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अंजू भी दूसरी सानिया बनने गई थी, लेकिन अच्छा हुआ वापस आ गई, वरना सालों बाद ऐसा होता तो क्या होता। हर रिश्ता एक ही तरह का नहीं होता, लेकिन अंजू को भी शायद अब अक्ल आ चुकी है कि अपने मुल्क अपनी मिट्टी से बड़ा कुछ नहीं होता। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये खबर चौंकाने वाली लगी है, पर असल सवाल यही है कि क्या सानिया मिर्जा को अब हिंदुस्तान आकर चुनाव लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान की किसी सीट से सानिया मिर्जा जीत पाएंगी ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, पर आने वाले दिनों में जब मोदी सरकार अपना एक और शपथ पूरा करेगी, पीओके को भारत में मिलाने का संकल्प पूरा होगा, तब सानिया मिर्जा वहाँ एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि तब उनके वहाँ के अनुभव का फायदा मिल सकता है। हालांकि सानिया आगे क्या करेंगी ये उनके ऊपर निर्भर करता है, पर बतौर फैंस आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, ऐसे वक्त में तंज कसने की बजाय क्या कहेंगे, कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।